बीते शुक्रवार को फिल्म प्यार में थोड़ा ट्विस्ट रिलीज हो चुकी है। फिल्म बरेली के प्रसाद टॉकीज में दर्शकों को लुभा रही है। फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म के मुख्य कलाकार मुकेश जे भारती, प्रोड्यूसर मंजू भारती और भाभी जी घर पर है कि अम्मा जी यानी सोमा राठौर बरेली आई हुई है। आज इन लोगों ने होटल रेडिसन में बरेली लाइव से बात की। बरेली लाइव संवाददाता सचिन श्याम भारतीय ने उनसे बात की तो कैमरामैन गोपेश शर्मा ने उसे कैमरे में कैद किया। है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बरेली शहर यूं तो अपने तमाम खासियतों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बरेली के फलक से निकलकर तमाम ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने नाम आसमां तक पहुंचाए हैं। हमारे बीच एक ऐसे ही सितारे हैं, मुकेश जे भारती जी। आइए उनसे तारुफ करते हैं, मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी में जितना कुछ भी घटित हुआ है उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। बॉम्बे तक का सफर चालू किया, यहाँ से जब हम गए थे बरेली से बॉम्बे, तो बहुत टफ वो समय था। और आज मैं बरेली शहर में हूँ और मेरी फिल्म यहाँ पर लगी हुई है और शार्ट टॉकीज में बड़ी खुशी हो रही है। मेरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पिक्चर देख रहे हैं और लोग उसकी जो है बहुत तारीफ कर रहे हैं, और ये जब तारीफ कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि लोगों को ये पिक्चर पसंद आ रही है। प्यार में थोड़ा ट्विस्ट ज़िंदगी में, बस मैं यही चाहता हूँ कि इसी तरीके से लोगों का, बरेली वासियों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और इसी तरीके से मैं काम करता रहूँ। मुकेश जी, कितना आपने बरेली में डांस भी सीखा, तमाम और भी चीज़ें सीखी, शिक्षा दीक्षा भी आपकी यहीं हुई, तब कितना कठिन था वो वक्त और आज कितना सरल है? देखिए, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जब यहाँ पर बहुत मतलब मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ की गलियों में और बाज़ारों में और शहर में घूमा हूँ, मुझे सब याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि कोई भी इंसान अपना शहर, अपना गाँव, अपनी जन्मभूमि नहीं भूलता। ये हमारा होम टाउन है। मुझे वो वक्त याद है जो मैं जब मैं डांस करता था और सिखाते थे विजय जी, कमांडो जी, तो वो टाइम पे मुझे लगता नहीं था कि मैं हीरो बन जाऊंगा। बट हाँ, एक सपना, एक शौक़ बहुत एक मेरे अंदर बहुत था, जुनून था कि मुझे बॉलीवुड के अंदर जाना है। बट मैं आज गया हूँ तो ईश्वर की दुआओं से, ईश्वर की रहमत से और यहाँ बरेली वासियों के दुआओं से, प्यार से, आज मैं उस मुकाम पे हूँ जो आज मेरी ये थर्ड पिक्चर रिलीज़ हो रही है बरेली में। और आने वाले समय में मैं अप्रैल और मई में मैं एक चौथी पिक्चर की शूट करने का मेरा प्लान है। आपको मैंने पहले भी बताया था, पर उस पिक्चर का नाम है बैंड बजा बरेली में। और मैं बहुत सारे ऐसे यहाँ के बरेली के लोगों को, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं जो वहाँ बॉम्बे पहुँच नहीं पाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी यहाँ चांस दूँ, क्योंकि मुझे वो समय याद है जब मैं बरेली से बॉम्बे गया था तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल रहा, क्योंकि वहाँ पर बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के पास मैं जाता था, मुझे कोई काम नहीं देता था। इसमें आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे बीच कोई ऐसी फैमिली बैकग्राउंड नहीं, बॉलीवुड में कोई दूर से दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपनी मेहनत और एक ईमानदारी से मैंने बहुत संघर्ष किया और आज वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। बट फिर मैं दोबारा एक बात कहूँगा, ये लोगों की दुआओं का और बरेली वालों का जो प्यार है, बस ये बना रहे। मुझे बरेली के लोग ज़्यादा प्रतिभाशाली लगते हैं आपको या बाहर के शहरों के? देखिए, भाग्यशाली होते नहीं हैं, ये बनाया जाता है और बनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप सच्चे मन से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे और आपको जुनून रखना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना ही है, तब आप सक्सेस होते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक जुनून होता है आपको काम करने का, कि आप जब यहाँ से किसी शहर से आप बाहर के शहर में जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो बहुत कुछ उम्मीदें लेके जाते हैं और आप उस उम्मीदों पे टिके रहते हैं और आपको लगता है कि मुझे ये काम करना ही है, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बट आप अपनी ईमानदारी और मेहनत और जो आपने जुनून है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। बरेली के में तमाम थिएटर हैं, यहाँ पर थिएटर लोग करते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से निकलते हैं, बाहर के लोग भी यहाँ पर तमाम आते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से तमाम से मुलाकातें होती होंगी जो बरेली के हैं, वहाँ पर बॉलीवुड में आपकी मुलाकातें रहती होंगी, कैसा अनुभव रहता है उनसे मिलकर, कैसा लगता है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बॉम्बे में कोई ये कहता है कि मैं बरेली से हूँ और मैं बरेली से यहाँ पर आया हूँ, और मुझे मैं उनसे मिलता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है मुझे उनसे बातचीत करना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि
मेरे प्रोडक्शन में या मेरे साथ कुछ काम नहीं है तो मैं किसी दूसरे प्रोडक्शन को भी रेफ़र करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं मेरे टच में, मैं जितना मुझसे होता मैं उतनी उनकी कोशिश करता हूँ कि उनको वहाँ पर कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो। मुझे डांस आपने बरेली से सीखा, आप अच्छे डांसर हैं, आगे चल के भविष्य में कोई डांस बेस्ड भी फिल्म करेंगे क्या? देखिए, डांस मैं एक्चुअली पूरी तैयारी के साथ बॉलीवुड के अंदर आया हूँ। मैंने बहुत डांस मैंने यहाँ तो बरेली में सीखा ही विजय कमांडो जी से, और मैंने यहाँ पर जाके बॉम्बे में ही सीखा, और मैं यहाँ मार्शल आर्ट भी सीखा। पूरी तैयारी के साथ बॉलीवुड में गया, और मेरी आने वाली फिल्म जो है वो डांस भी होगा उसके अंदर, और एक्शन भी होगा, और भरपूर जो है एंटरटेनमेंट होगा। बरेली के लोगों के लिए क्या सलाह है, क्या निर्देश है आपका? बरेली के लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म बरेली में लगी है, प्रसाद में, और आप उसको देखने जाइए। उस फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है दहेज के ऊपर, तो बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और दुआएं जो हैं मेरे ऊपर बनाए रखें, और मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहिए। मैं आगे काम करता रहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों का प्यार का भूखा हूँ, और लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेहनत, जुनून आपको जो करना है वो सिर्फ आपको सक्सेस देगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे बीच आज कुछ ऐसे साथ में हैं जो आपने देखा होगा, भाभी जी घर पे हैं, अम्मा जी वो मेरे साथ आई हैं, और प्यार में थोड़ा ट्विस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर भी किया हुआ है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और उसके साथ साथ हमारी फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं मंजू भारती, वो भी आई हैं, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, और मेरी फ्रेंड का कैरेक्टर किया है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। और बप्पी दा का इसमें म्यूज़िक है, और बप्पी दा का म्यूज़िक के लिए मैं कहूँगा उनकी ये लास्ट पिक्चर है, और उनका जो गाना है वो भी मैं लास्ट कहूँगा बहुत अच्छा खूबी से उन्होंने गाया भी है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लोग अपने यूट्यूब पर रील बना के भी डाल रहे हैं। गाना शायद आप जानते ही होंगे, यूट्यूब पर धूम मचा रहा है वो गाना, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म लगी है बरेली में, देखने ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे जी आपको हम सबकी तरफ से, आपकी फिल्म हिट हो, आने वाले तमाम फिल्में हिट हों, सभी फिल्में। हमारे बीच इस फिल्म के प्रोड्यूसर मंजू भारती जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाला है। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी। थैंक यू सो मच चैनल पर। फिल्म में ऐसा बहुत कुछ है जो बाकी फिल्मों से अलग है, बहुत सारे ट्विस्ट हैं फिल्म के अंदर, और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है जो आप सबको एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं कि फिल्म बहुत हटके है, लीक से हटके है, बट ये फिल्म जो है प्यार में थोड़ा ट्विस्ट है, डेफिनेटली बहुत हटके है, क्योंकि जहां हम एक बार अपनी हंसी को कंट्रोल करेंगे तो फिर दूसरा ट्विस्ट आता है, और हम जब पूरी फिल्म जब देखते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि ट्विस्ट, इतने ट्विस्ट कैसे एक डायरेक्टर ने पिरोए हैं। तो बहुत ही डिफरेंट एंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मेलेडियस म्यूज़िक हमने इसमें पिरोया है, बहुत ही मंजे हुए एक्टर्स हैं, एंड डायरेक्टर पार्थो घोष, उनका बहुत अच्छा डायरेक्शन है, और एक कम्प्लीट पैकेज है जो आप सबको एक बहुत अच्छा एंटरटेन करेगा। शुक्रिया।